अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम मैं तो ठीक हूँ, खैरियत होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ शराज चौधरी। आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। उसका टाइटल है सेल फ्रॉम मुंबई टू गोवा ऑन लग्जरी क्रूज। तो चलिए वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। The cruise leaves you with no option of getting bored because they have so much in store for you. From live entertainment options, budding DJs, international performers, and lots more. So I can't wait to start my night. I'm at the Delgin Casino inside Jalesh, and to be honest, I've never really had a casino experience before. This is actually going to be my first time, so let's try my luck. Just the perfect spot to wake up to and have your morning cup of coffee. Navigation bridge where the captain of the ship takes us through the entire process of what actually happens inside a navigation bridge. I got to learn so much. I definitely had a great time. क्यों रहा है? शराब तक कुछ नहीं पी लें, हम नहीं पी लेते। ब्रांड वही यहाँ पे सारे ब्रांड लगे हैं। ये पैकेज लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा रेट आ गया 20,000 बस। नहीं नहीं इंडियन रुपीस में है भाई, ये साइन भी है ना मेरे ख्याल इंडियन रुपीस के। My journey is over because I've had such an amazing time on board and I can't wait to be back again. Well, if you like watching this video, then please do like, share, follow and subscribe to Curly Tales. This is Bianca Saurashri. See you around. क्या बात है भाई, आपने हमारी आंखें खोल दी, तारे दिखा दिए। सही बात है, हमारे यहाँ पे तो नेवी वाले शायद यूज करते होंगे क्रूज वगैरह, पता नहीं कितने होंगे उनके पास, लेकिन लोकल जो है वो तो हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने जो है किसी भी इस तरह का कोई सिस्टम लगाना है, कहीं पे जाना है। चले होगा भी, लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है इसके अंदर तो भाई 19,000 में यार, बस 19,000। अच्छा मैं तो ये बोलूं तोबा है,
मेरा ख्याल है पाकिस्तानी, एक और बात है, पाकिस्तानी 50,000 रुपये बनते होंगे। तो यार इतना एक्सपीरियंस, इतना सारा कुछ, खाना खाने तो क्या है बात है, इंडिया के नहीं, मैं खाना खाने तो मेरे देख ख्याल के, में अलग से होगा, उसके तो नहीं इसके अंदर इंक्लूड पैकेज है यार, होगा। बताया नहीं पैकेज आने के। आप कह रहे हैं ना कि वो डॉलर यूरो वो साइन, मेरा ख्याल है कि वो उनके जो है ना इंडियन रुपीज, उसका साइन है, क्योंकि मैंने मेरी नज़र से शायद गुजरा है कहीं पे, तो मुझे लगता है कि ये इंडियन साइन, इंडियन रुपीज़ का साइन है, तो होगा यकीनन वही होगा। तो शायद हो सकता है ये बात अलग हो कि स्टार्टिंग पैकेज जो है ना वो 19,000 हो, ठीक है, इधर उन्नीस के पांच बाद पांच हजार वो जो स्विमिंग के लिए था उसमें एक पूल सा, उसके लिए उसके, तो हाँ वो मेरे ख्याल लाहौर में में जो 5,000 पार्क, तो हो ही हो बिल्कुल बिल्कुल लाहौर गए में कुछ हैं इस तरह के जो है पार्क्स हैं, तो उनमें सोजो है वाटर हो गया सोजो जिस वाटर तरह हो गया, आप तो वो देख लें काफी टिकट तो है तब। आजकल तो वो टूर्स वगैरह के लिए स्कूल या कॉलेज के हों तो वो थोड़ा कम कर लेते हैं, फैमिली हो या फिर अलग बिल्कुल से उनके लिए काफी गार्जियन का ज्यादा ध्यान चार्ज करते रखते हैं हैं। जितना। बहरहाल यार जिसके पास पैसे हैं भाई वो जा सकता है, बट आप लोगों के पास तो माशाल्लाह बहुत बहुत पैसे पैसे हैं हैं भाई, बिल्कुल, वो क्या कहते हैं क्योंकि कि अगर जो अमीर आदमी है वो सर्दियों में गर्मी का मजा ले रहा है हाँ वही और वही गर्मियों में वो बिल्कुल स्नो फॉलिंग का मजा ले रहा है अपने बिल्कुल घर में ऐसे बैठे ही हुए, ऐसे ही ऐसे ही, और उसके लिए तो सारे मौसम कोई बदले मौसम को या ना बदले ना बदले बनने उसके लिए तो बिल्कुल पैसा है जी, वो बिल्कुल पैसे से ऐसे अपने ही मौसम बदल रहा है, बिल्कुल ऐसे बहार ही भी उसकी आ जाती है, खजां भी उसको, अगर वो चाहे तो खजां आ जाए, अगर वो चाहे बिल्कुल तो सर्दी आ जाए, वो चाहे तो गर्मी आ जाए। लेकिन एक बात जमी भाई कहना लाजमी होता है कि जो नेचुरली तौर पे होता है ना, कुदरती जो मौसम का बदलाव और उनकी जो एक अपनी ही तसीर अपनी होती बिल्कुल है ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, सेहत उनकी, पे हाँ जो है जी, ना वो बहुत सेहत ज्यादा पर, खूबसूरती बिल्कुल पर ऐसे ही और जो जिस्म की जितनी भी है, जिस्म ये जिस्म के लिए जरूरी होते हैं बिल्कुल जितने भी बिल्कुल मौसम है ना, जैसे धूप में बैठना विटामिन डी का वो मिलता है और इसके अलावा जितने भी और फलों का बनना, नहीं अनाज वो तो, वो चावल तो एक इंसान गेहूं। वैसे भी निकलते हैं, वो कौन सा मतलब हमेशा उसमें रहते हैं, लेकिन ये है कि यार भाई आपके जो है कंट्री में एक जो है सिटी, उससे लेके आप ट्रेवल कर सकते हैं, कर ठीक है, सकते हैं आपका जो है समंदर वो इतना बड़ा है कि वो आपको एक सिटी से उठा के दूसरी सिटी में लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे वही बात है ना, मैं लास्ट वीडियो में बात पूछी थी कि आपकी कंट्री में बंदरगाहें कितनी है, तो भाई ने बताया था, ठीक है, तो हमारे तो यहाँ पे एक पोर्ट कासम है छोटी सी, और एक जो है वो कराची वाला है, ठीक है, ग्वादर तो अब वो हमारे हमारा किस काम का, राय हाँ वो ग्वादर हमारा किस काम का, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बंदा ग्वादर से बैठ के कराची जाता हो या कराची से बैठ के ग्वादर आता हो, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता जिसने मतलब जो भी सामान या जो भी आना होता है वो, अगर चाइनीज का आना है तो वो ग्वादर पे आ रहा है, और अगर कुछ कराची में आना है तो कराची में आ रहा है, तो यही चलता रहता है, ऐसे कोई सीन नहीं है कि किसी बंदे का दिल किया कि यार अच्छा मजा लेना है तो चले, लाइफ एंजॉय है यार, लाइफ एंजॉय। और ये ठीक है। मजे की वीडियो थी जिस भाई ने हमें ये रिकमेंड की और कहा इस वीडियो पे रिएक्शन करें, भाई बिल्कुल कमाल की बिल्कुल आपकी चॉइस है, कमाल की कलेक्शन है, कमाल का आपका स्वैग है कि आप किस तरह का स्वैग रखते हैं, वाह 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 बिल्कुल बिल्कुल कमाल बिल्कुल है। और हम ये चाहते हैं कि आप भी कभी इस सफर में निकलें और खुद ये सफर करके फिर हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि वाकई ही जिस तरह दिखाया गया वीडियो में ऐसा है। और दूसरा ये है कि हम ये अक्सर कहते रहते हैं कि जितना भी किसी के मतलब अच्छा सोचें इंसान खुद अच्छा होता है, बिल्कुल ऐसे ही और जिस तरह हम आप लोगों को अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा आप लोगों के मतलब सोचते हैं, या आपके कमेंट लेकर हम उन्हें दिल से कबूल करते हैं, क्योंकि जो दिल की बात है, दिल तो उधर हो या पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, दिल नहीं, वो तो एक दिल एक होता भाई ने एक है। और बात की थी, वो उन्होंने सही बात की थी भाई, अच्छा उन्होंने ये बात की थी कि भाई आपके पाकिस्तान में जो है ना झूठ बोला जाता है, झूठ बोलते हैं, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि आप अपनी एज जो है कंट्री में कम लिखवाते हैं, ठीक है, तो ये केसेस जो है भाई हम मानते हैं ये केसेस हैं यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उसकी भी एक टर्म होती है भाई, कि मतलब हर बंदे का अपना नेचर पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, ठीक है, तो खैर
ये इसके साथ एक और भाई का मुझे कमेंट याद आ गया। वो कह रहे थे भाई आप लोग कहते हो कि हम एक हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाने चाहिए जो लोगों के साथ हम रखते हैं इधर उधर, हालांकि हम हमसाए होने के नाते हमारे अच्छे होने चाहिए लेन देन आपस में। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ें कहते रहते हो और ये टू नेशन थ्योरी जो है, दो कौमी नज़रिया, ये आप ही का ही तो बनाया हुआ है कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते। किसी हद तक वो भी ठीक है, लेकिन इसे ही तो खत्म करना है हमने, यही तो खत्म करने वाली बात है। अब जब सारे लेकिन अलग अलग हो गए एक और बात है, टू नेशन जो नजरिया था उससे मुसलमान अलग हुए, ठीक है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि इंडिया का मुसलमान कहाँ पे है और पाकिस्तान का मुसलमान कहाँ पे है, ठीक है, तो भाई वो फायदा किसको हुआ, ठीक है, वो यकीनन इंडिया मुसलमान को छोड़े इंडियन कौम का ही हुआ, ठीक है, फायदा अच्छा, ये हमारी। एक और बात, मैं ये मैसेज एक छोड़ना चाहूँगा कि हमारे जितने भी इंडियन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए ये एक हमारे इस चैनल से एक जाना चाहिए, मशवरा जाना चाहिए या फिर एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई जितने भी मुस्लिम भाई हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान का कम सोचें लेकिन वो उनकी कंट्री वो है। नहीं तो वो पहले सोचते हाँ, वो कि मजीद मैसेज अगर कोई इस तरह मैसेज की की भाई जैसे जरूरत मीडिया ही नहीं पे, है मेरे हाँ भाई, मैसेज की जरूरत नहीं है। अमित शाह वो अभी रिसेंटली जो हमने वीडियो की थी उसमें मैंने बोला था ना कि नेक्स्ट जो है और ये वो मिसालें मिलती हैं, वो आप देखें सलमान खान मुसलमान यार, है, वो ही और छोड़ो, वो तो चलो एक्टर हो गए ना, वो अरफान पठान को देखें, क्रिकेटर, क्या नाम है उनका और क्या यार वकार है। ये छोटी हाँ बातें भाई, ये छोटी बातें, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो है वो कमेंट्स कर रहे थे सारे, वो कह रहे थे कि भाई अगली बारी योगी की नहीं है पीएम पे, अमित शाह की है, ठीक है, अगली बारी जो है ना वो अमित शाह की है और अमित शाह मुसलमान है। बिल्कुल, ये मैं कर रहा था रेड बल्कि इसका, बल्कि हमने वो कमेंट भी रिप्लाई भी तो दिया भाई है, हाँ जी, रिप्लाई भी दिया तो है कि फिर आप जो बिल्कुल मैसेज कह रहे हैं आपकी बात भी चलो ठीक होगी, लेकिन भाई नहीं, वो ये पहले से जो कर रहे हैं इंडियन न्यूज़ पे जो एक दो बातें मैंने सुनी यार, कि वो जैसे, इंडिया की न्यूज हाँ होती नहीं असल में यार, जो हाँ हमें हमें दिखाते हैं वो नहीं होता ना असल में, अच्छा, असल में उसको तोड़ तोड़ के मोड़ के जो है वो हमें दिखा दिया जाता है कि यार। ये उसका कोई मसला एक और दूसरा है, पहलू दिखा मसला दिया एक और जाता है। है, मसला यहाँ पे ये है कि इंटरनेट है सबके पास लेकिन इतना टाइम नहीं है, जैसे हम भी नहीं करते थे सर्च, हम भी सर्च आउट नहीं करते थे कि हमारे इधर आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। लेकिन जब हम ये काम स्टार्ट किया या देखना शुरू किया है तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना, मेरा जिस दिन से शुरू किया है उससे आज तक मैंने तो सीखा ही है, ठीक है, और हर दिन हर रोज जब दिन का आगाज होता है, दिन नया निकलता है, तो सुबह सुबह जो है वो कमेंट्स वगैरह आए होते हैं उनको पढ़ के तो यार बंदा फ्रेश हो जाता है। अच्छा, अगर अच्छे कमेंट हैं तो फ्रेश हो जाता है, अगर हमारे भाइयों ने नहीं नफरत वो फैलाई होती नफरत है नफरत तो वाले भी एक और हाँ बात है हाँ ना कि अगर एक आध होता है ना तो उसका जवाब भी किसी न किसी भाई ने दिया होता है कि भाई आप इसको इग्नोर करें और चिल करें तो बस आप ना अपना काम करें, जी तो ठीक है बिल्कुल, जी, वीडियो यहीं तक था, हमारी बातें जो है वो होती रहेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।